एक बड़ी वजह है। आज कुछ सुधार कर गया, बिल्कुल तीन चेंजेज हैं, छोटा ग्राउंड है, अगर पोटेंशियल पे बैट्समैन खेल जाएगा और बॉलर अगर लाइन लेंथ अच्छा डालेगा कम से कम तो रोकने का और आराम से जीतने का कोशिश करेंगे। मैं पीएल शेखर अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मुकाबला त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण वर्सेस राजवाड़ा का चलता हुआ। टाइम बताइए ना। गेंदबाजी की शुरुआत गौरव शर्मा करने आए, पहली गेंद फुल्ली लेंथ की गेंद, आकाश ने सीधे बल्ले से गेंद को सामने की दिशा में मिड ऑन की दिशा में खेलते हुए एक रन लिया। खाता खुलता हुआ त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का एक रन। फील्ड प्लेसमेंट विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली शॉट बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ मिड ऑन और एक शॉट मिड विकेट घेरे के अंदर बाहर एक वाइडिश थर्ड मैन नजर आ रहा है। बड़े खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी की गौरव शर्मा ने और उतने ही लाजवाब तरीके से गेंद के पीछे आए, कंधा नीचे रखा, सर नीचे रखा और कवर्स की जानिब धकेल दिया। ओ, इस बॉल पर अश्वनी को छकाया गौरव शर्मा ने। लंबी कदकाठी के गेंदबाज हैं और जब जब मैंने गौरव शर्मा को गेंदबाजी करते हुए देखा मुझे काफी खुशी मिली। परिवर्तन के तौर पर विकेट के काफी करीब आए और बल्लेबाज के शरीर से दूर गेंद फेंकी और इसकी सबसे बड़ी वजह कि उन्होंने विकेट कीपर के ठीक दाहिने साइड एक स्लिप लगा रखी है। गली का क्षेत्र भी, हालांकि स्लिप और गली के बीच एक लंबा सा गैप, गेंद पर बल्लेबाज बैक फुट पर आए थे और गेंद में ज्यादा उछाल नहीं थी अन्यथा डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद नजर आती। अच्छी बल्लेबाजी, जैसे ही देखा कि गेंद की पहुंच तक मैं हूं नहीं तो उन्होंने अपने बल्ले को अड़ाया, तिरछे बल्ले से खेला, गैप ढूंढने की कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी। पहला ओवर संपन्न होता हुआ तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का है। शशि की पहली गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश में सफलता भी प्राप्त की शशि ने, लेकिन बल्लेबाज उतने ही चालाक, चतुर, चौकस और चुस्त थे, अपने सामने गेंद को दबाया। सुबह सुबह का वक्त है, किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे बल्लेबाज। चूंकि सारण की टीम कल इस पिच के मिजाज को भांप चुकी है, पड़क चुकी है और सारण के तरफ से उनके कप्तान ने क्या लाजवाब खेल दिखाया था। जब तक गेंद को अपने बल्ले पर लेते तब तक गेंद उनके पास पहुंच गई थी, मुड़ने का मौका भी नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए बल्लेबाज, तब तक उनके लेग उनके हैंड ग्लव्स में गेंद आकर टकराई। थोड़ी सी परेशानियां महसूस कर रहे हैं आकाश, मिले हुए मौके का फायदा उठाया और शशि के इस गेंद पर एक रन लेते हुए अपनी टीम का योग पहुंचाया कुल दो। बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर शशि। सफल किया था खुद को काफी आगे, हालांकि फाइन लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ा। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ। दूर से खेलने की कोशिश थी, इनसाइड आउट आए थे,
लेकिन गेंद उनकी पहुंच से थोड़ी सी बाहर, उछाल भी ज्यादा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। फिर से क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रही, थोड़ी सी लंबी गेंद थी, बल्ले पर आए नहीं, मिले हुए मौके का फायदा उठाया। एक और रन, रनों का कुल योग इस सिंगल के जरिए 3-4 रन बगैर किसी नुकसान के, 2 ओवर की समाप्ति हुई है। सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से फार अवे एंड की तरफ से गौरव शर्मा आया है गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने होंगे बल्लेबाज। उछाला है आकाश ने, गेंद चली जा रही है एक शकवर की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार शॉट। फिर से ये शॉट, हालांकि खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद चली जा रही है वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बीच में कुछ हिचकिचाहटे हुई लेकिन अंततः 2 रन पूरा कर लिया आकाश ने। एक चौका निकला, 2 रन आए, तो कुल रनों का योग चला गया है 10 बगैर किसी नुकसान के। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और क्या लाजवाब शॉट यहां पर खेला है आकाश के बल्ले से, एक और चौका निकलता हुआ। लंबी गेंद और एक बार फिर से गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए रनों का योग 15। अच्छी बल्लेबाजी अश्विनी और आकाश के द्वारा, हालांकि अश्विनी का खाता खुलना बाकी है अभी। आगे आए थे और खेलते के साथ ही दौड़ लगा चुके थे और जब आपकी निगाहें आपस में मिली हुई हो, आपका सामंजस्य तालमेल बढ़िया हो, तो रन आउट होने की गुंजाइश काफी कम रहती है। थोड़े से आक्रामक दिखाई पड़े इस बार आकाश, उनका खेलने का तरीका ही यही है, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और जिनकी जो शैली होती है बल्लेबाज की या गेंदबाज की, उसी पर वो ज्यादा खड़े उतरते हैं। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, दूर से खेलने की कोशिश, हालांकि शैडो अलग किस्म की कर रहे हैं। हवा में गेंद लहराती हुई पीछे निकल गई, 1 बाउंस 4। अंपायर सुनील कुमार का इशारा 4 रनों का। फिर से दूर से खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फिर से बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमते हुए गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 22 गज की दूरी मापी और इस एक रन के जरिए टीम का कुल योग चला गया है 22। इन 22 रनों में 19 रन आकाश के हैं, अश्विनी ने मात्र 1 रन बनाए हैं अब तक। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद थी ये, अंदर की तरफ आई और शशि की जो गेंदबाजी एक्शन है, कंधा इनका घूमता है, आप याद करें देवाशीष मोहंती की गेंदबाजी, कहीं ना कहीं से देवाशीष मोहंती की याद दिला रहे हैं शशि। छकाया इस बार बल्लेबाज आकाश को और इसी के साथ शशि का एक और बेहतरीन ओवर संपन्न होता हुआ। सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी 23 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। गौरव शर्मा अपने
अपने तीसरे ओवर के साथ गौरव शर्मा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पे काफी दूर रह जाते, मीलों दूर रह जाते बल्लेबाज अगर गेंद विकेटों में जाकर टकराती। अनावश्यक खतरे मोड़ लिए इस बार दोनों बल्लेबाजों ने, कंधे का भरपूर इस्तेमाल किया लंबी कद काठी के गेंदबाज गौरव शर्मा ने। और इस बार एक आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक तेवर वाले बल्लेबाज को बांध के रखा हुआ है शशि और गौरव शर्मा ने। इसे खतरा हो सकता है लेकिन थ्रो सही नहीं, फील्डिंग बहुत ही अच्छी। गौरव शर्मा अपना तीसरा ओवर, टीम की तरफ से पांचवां ओवर लेकर आए हैं सिंगल के जरिए 25 रन बिना किसी नुकसान के। और इन 25 रनों में 20 पर बल्लेबाजी आकाश कर रहे हैं और अश्विनी खेल रहे हैं तीन के अपने निजी ऊपर। भरपूर फायदा उठाया गैप का और जड़ दिया एक लाजवाब चौका। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में यह चार रन निकलता हुआ है। हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी, गति परिवर्तन आजकल आपने देखा होगा आईपीएल या इंटरनेशनल मैचों में, तो तेज रफ्तार के गेंदबाज होते हैं वो थोड़ी सी गति में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाजों को चौंकाते हैं और स्पिनर कभी कभी फ्लिपर मारकर विकेट हासिल करता है। कड़ी प्रतिस्पर्धा विश्व पैमाने पर छिड़ी हुई है क्रिकेट के मायने में अगर बातें करें तो। अचानक उछाल, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज अश्विनी और ओवर भी संपन्न हो गया। तो ओवर नंबर कुल संपन्न हुआ है 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात त्रिशूल एकेडमी सारण का कुल योग 29 रन बिना किसी नुकसान के। तो सूरज कश्यप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, फिरकी आक्रमण सूरज राठौड़। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट गेंद फेंक रहे हैं और उनके सामने एक आक्रामक बल्लेबाज आकाश मिला जुला कर बल्लेबाजों को बांध कर रखा है राजवाड़ा के गेंदबाजों ने। सूरज राठौड़ क्या करना चाह रहे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल फ्लाइट नहीं देते हैं गेंद में और तेजी से बल्ले पर आती भी है, ऐसे में बल्लेबाजों के पास ज्यादा मौके नहीं होते। और ये लीजिए फिर से आकाश जैसे आक्रामक बल्लेबाज को अपने लगातार गेंदों पर बांध के रखा है। फील्ड प्लेसमेंट पर ध्यान दे, ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी आपको नजर, 6 खिलाड़ी नजर आएंगे एक लाइन से। और इतने परेशान हुए बल्लेबाज कि उन्होंने रिवर्स शॉट खेलना मुनासिब समझा। हालांकि ऐसे मौके पर जब फिर की आक्रमण लग रहा हो तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और देख लें, परख लें, फिर अपने कंधे खोलें। एक और डॉट बॉल, पूरे ओवर में इन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया है, बांध के रखा है और चालाक गेंदबाज महसूस हो रहे हैं सूरज राठौड़। थोड़ी सी फ्लाइट दी थी इस गेंद में, हल्की सी फ्लाइट, लेकिन बल्लेबाज ने जैसे देखा कि विकेट कीपर ऊपर है अपने क्रीज को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, एक लाजवाब ओवर घटता हुआ। एकमात्र रन इस ओवर में सूरज ने दिए, 30 रन 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट अकेडमी सारण का कुल योग बिना किसी नुकसान के। बेहद ही चतुर
चालाक, चौकत और चुस्त स्पिनर माने जाते हैं। अनिमेश शर्मा डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए रिवर्स स्विफ्ट किया है यहां पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के। चौके की मदद से आकाश पहुंचे 25 पर और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 34 बिना किसी नुकसान के। सातवां ओवर अनिमेश शर्मा लेकर आए हैं और यहां पर एक मौका बना था, कोशिश भी अच्छी हुई, प्लेसमेंट भी अच्छा था, फील्ड पोजीशन को थोड़ी देर पहले चेंज किया था अनिमेश शर्मा ने, लेकिन थोड़े से पीछे रह गए फील्डर। हल्के हाथों से गेंद को सहलाया गली की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग 35 बगैर किसी नुकसान के सातवां ओवर प्रगति पर। दूर से खेला गया शॉट, गैप ढूंढी अपने लिए अश्विनी ने और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक लाजवाब चौका जड़ दिया। रनों का कुल योग 39 और अब तक कोई विकेट नहीं खोया है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी गया की सारण की टीम ने। अच्छी बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षक दूर खड़े थे स्वीपर कवर में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो आता विकेट कीपर के दास्तानों में, अपने पास स्ट्राइक रखना मुनासिब समझा बल्लेबाज ने और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 40 रन बिना किसी नुकसान के, यानी 7 ओवर की समाप्ति हुई है 40 रन बना लिए गए हैं सारण की तरफ से और कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। कल की अपेक्षा बेहतर स्थिति में त्रिशूल एकेडमी सारण की टीम दिखाई पड़ रही है। थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद थी और गेंद के आने के इंतजार में बल्लेबाज को ज्यादा इंतजार करना पड़ा और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक और रन। 41 आठवें ओवर की शुरुआत हुई है, सूरज अनिमेश शर्मा के साथ अब फिर की आक्रमण को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, 30 यार्ड का क्षेत्र खाली, पावर प्ले हटता हुआ फॉलो किया खुद से, हल्की फ्लैटेड बॉल और काफी पीछे रह जाएंगे क्षेत्र रक्षक, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरते हुए। मिला जुला कर अगर देखा जाए तो आक्रमण अच्छा है, चाहे फिरकी हो, तेज गेंदबाजी हो, बेशक विकेट नहीं गिरे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई है। अजू ने फ्लैटेड बॉल और यहां पर विकेट कीपर, ऐसी गेंदों को गैदर कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है विकेट कीपर के लिए, चौका निकल गया। बैक फुट पर आए थे, ड्राइव किया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए। ओवर संपन्न होता हुआ कुल 8 ओवर 49 रन बिना किसी डायरेक्टर लोग का नाम थोड़ा आ ही नहीं रहा है। अनिमेश शर्मा बहुत ही चालाक गेंदबाज और यहां पर थोड़ी तेज दौड़ और भी लगानी होगी और लीजिए 50 रन पूरे हो गए त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण के। इस बार थोड़ी सी गति परिवर्तन, तेज गेंद फेंकी अनिमेश शर्मा ने, डायगोनल गेंदबाजी करते हैं विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए
बाएं हाथ के बेहद ही खतरनाक गेंदबाज। और देखिए यहां पर उछाल, खतरा महसूस। बैक टू द बॉलर गैप और सीधे जब बल्ले से आप खेलते हैं, हालांकि लॉन टेनिस में जिस तरह से शॉट खेला जाता है वो शॉट स्ट्रेट की दिशा में गई, चार रन और मिलता हुआ रनों का कुल योग 55 बिना किसी नुकसान के। एक वक्त अश्विनी काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए तो दोनों ही बल्लेबाज लगभग बराबरी पर 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश और 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, आकाश के बल्ले से लाजवाब चौका निकलता हुआ। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया है 59, आकाश गए 33 पर, 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। ये गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक अगर गेंद के नीचे आएंगे तो खतरा हो सकता है। और इसी के साथ यहां पर विकेट गिरता हुआ, विकेट का पतन हुआ है और पहला विकेट गंवाया है सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की टीम ने। और पहले विकेट के रूप में आउट होकर स्क्रीन पर आप देखें वापस पेविलियन जा रहे हैं आकाश, और आउट होने से पहले उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और 33 शानदार रन बनाए। तो वक्त हुआ है ड्रिंक्स इंटरवल का, और ड्रिंक्स इंटरवल के समय स्कोर है कुल 59 एक विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का। और ये देखिए ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान में, और मैं भी थोड़ा अब ब्रेक लेता हूं। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का, और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 60। नए बल्लेबाज नवनीत झा है, जबकि आकाश बल्लेबाजी कर रहे हैं, अश्विनी बल्लेबाजी कर रहे हैं 24। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड उछाल प्राप्त करती हुई, और बल्लेबाज ने किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लिया, जाने दिया विकेटकीपर के सुरक्षित दास्तानों में। फ्लाइटेड बॉल, और उतनी खूबसूरती से गेंद को संभाला है, थ्रो विकेटों में जाकर लगती तो खतरा हो सकता था, लेकिन आपको छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में एक एक रन लेना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। एक रन से मैच का नतीजा बदल जाता है और हार और जीत का फैसला एक ही रन करती है। नवनीत झा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और इन्होंने कल 3-4 ताबड़तोड़ छक्के लगाए, और देखिए पहली शॉट भी उन्होंने छक्के के लिए खेला था, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई चली गई विकेट कीपर के ठीक पीछे, थर्ड मैन की दिशा में, माफ करेंगे फाइन लेग की दिशा में। एक चौका और निकलता हुआ 65 रन, और इसी के साथ जो ड्रिंक्स इंटरवल के बीच ओवर रुका हुआ था सूरज का, वो ओवर कंप्लीट हुआ। कुल 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का योग है 65 रन 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अनिमेश शर्मा ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 5 रन खर्च किए हैं, गौरव शर्मा ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, शशि ने 2 ओवर की गेंदबाजी की अब तक।
हाई यार्ड में एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए गौतम की गेंद के पीछे आए थे। बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव किया, सीधा बदला अपना और सिंगल के जरिए अश्विनी गए 26 पर 28 गेंदों का सामना किया, जबकि नवनीत झा बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने चार के निजी योग पर। सामना करेंगे गौतम की गेंद का। फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीलियां चलती ही रहती हैं 2020 ओवर्स के मुकाबले में। जिस तरह से बल्लेबाज को देखते हैं गेंदबाज, उस हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट होता है। के बाहर हल्के हाथों से गेंद को खेला है और जब तक स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए 67 एक विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सारण। एक अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, उछाल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, साइड स्क्रीन के ठीक सामने गेंद गिरती हुई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। छक्के की मदद से रनों का कुल योग 73। खेलना कहीं चाह और रहे थे लेकिन गेंद गई फाइल लेग की दिशा में विकेट कीपर के पीछे। मिले हुए मौके का फायदा उठाया नवनीत, आए हैं सामने, रनों का कुल योग 74। नवनीत बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 पर, जबकि 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। हल्की गेंद, हल्के हाथों से खेला नवनीत, थोड़ी से आज समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और 33 शानदार रन बनाकर आउट हुए थे। सुशांत सिंह ने भी लाजवाब बल्लेबाजी की, थोड़ी देर और टिकते 41 रन बनाकर वापस पवेलियन गए थे तो मैच का नतीजा कुछ और होता है। शॉर्ट आर्म पुल और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, चौका मिलता हुआ, शानदार बल्लेबाजी अश्विनी के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। अश्विनी पहुंचे अपने कुल रनों का योग 79 एक विकेट के नुकसान पर और एक और ओवर संपन्न होता हुआ। सुफियान का स्वागत किया चौके के साथ बल्लेबाज नवनीत ने और पॉइंट की जानिब एक शानदार शॉट खेलते हुए अपने कुल रनों में इजाफा किया। दहाई के अंकों में पहुंचे हैं नवनीत 10 पर और सारण का कुल योग पहुंचा दिया है 83। सुफियान की दूसरी गेंद को भी लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए 2 रन लिए, 12 पे पहुंचे नवनीत और सारण का कुल योग चला गया है 85। और जिस मूड मिजाज के बल्लेबाज हैं नवनीत, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, अपना विकेट गवाया, वापस पवेलियन लौट रहे हैं तो दूसरा झटका लगता हुआ त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण को। 2 विकेट के पतन के पश्चात 85 रन सारण, ओवर नंबर 12वां चल रहा है तो पहली सफलता अपने लिए प्राप्त की। सुफियान ने अपना पहला हिलो ओवर लेकर आए थे और नवनीत के साथ जो साझेदारी पनपती हुई खतरनाक रूप ले रही थी अश्विनी के साथ, उस साझेदारी को पनपने से पूर्व ही तोड़ दिया। कॉपी बुक स्टाइल, थोड़ा सा खुद को संयमित कर लेना चाहेंगे बल्लेबाज, अभी अभी आए हैं, उछाला है गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक और रन जोड़िए खाते में 86 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 12th ओवर।
सुफियान दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद धकेली थी। इस बार बल्लेबाज ने ओवर एक और संपन्न होता हुआ 12 ओवर 86 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुलियो अनिमेश शर्मा एक बार फिर से अपने स्पेल को बढ़ाते हुए हवा में उछाला है और गेंद 2 टप्पे खाने के बाद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए। इस बार संभलते हुए बल्लेबाजी पहली दफा गेंद को अच्छे तरीके से रोक नहीं पाया, फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, मौके का फायदा उठाया और जब जब मौके मिले आपको फायदे उठाने ही पड़ेंगे क्योंकि एक रन से हार जीत का अंतर हो जाता है। आप 100 रन से जीते या 1 रन से जीत आपकी ही होती है। डेलिकेट कट, गेंद के आने का इंतजार किया, गली की दिशा में धकेलते हुए एक और रन 92। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो अश्विनी खेल रहे हैं 38 पर 33 गेंदों का सामना किया है और 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत सिंह जो कल बल्लेबाजी करते हुए जिन्होंने लाजवाब 41 रन ठोक डाले थे, आज भी काफी उम्मीदें हैं उनकी टीम को उनसे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है दोनों बल्लेबाजों की और जिस तरह से थ्रो को अपने हाथों में पकड़ा था निमेश शर्मा ने, चोटिल होने का खतरा महसूस कर रहे थे। अच्छी गेंद और हल्के हाथों से जब जब आपने किसी गेंद को खेला तो वहां पे रन मिलना ना लाजमी होता है। एक और ओवर तेजी से घटता हुआ 13 ओवर 95 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का यूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी बीच एक नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स के ठीक करीब गेंद आई थी और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 95। सुशांत सिंह पहुंचे 8 पर 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। ओह माय गॉड, स्टेडियम के बाहर से गेंद को लाइए, जाइए और स्टेडियम के बाहर से इस गेंद को लाइए। क्या लाजवाब छक्का निकला है अभी अभी सुशांत के बल्ले से, छोटा कद बड़ा काम। 14 पे पहुंचे हैं सुशांत और इसी के साथ सारण टीम के 100 रन पूरे हो गए। 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद और पीछे क्षेत्र खाली, गली की दिशा में उछाली थी गेंद को और वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और चौका निकला, पिछली गेंद पर छक्का हासिल किया था सुशांत ने, अभी अभी चौका लगाया। सुशांत तेजी से अपने स्कोर को एक्सेलरेट कर रहे हैं। सुशांत 18 सारण 160। एक और शॉट और ये भी निकला है ऑल द वे, 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह की तरफ से ग्रेड ए के बीसीए पैनल के एक वरिष्ठ अंपायर माने जाते हैं। और इसी के साथ थोड़े ज्यादा जल्दबाजी में दिखलाई पड़ रहे थे सुशांत, क्या आवश्यकता थी, पिछली 3 गेंदों पर आपने 16 रन बटोर लिए थे और अगली गेंद पर विकेट गंवा दिया। खैर अच्छी बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी आपने की सुशांत, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वापस पवेलियन मायूसी के साथ लौट रहे हैं
ये सोचते हुए कि कुछ देर और रुकता तो शायद मेरी अर्धशतकीय पारी होती और शायद मैं शतक भी ठोक देता। सुशांत सिंह ने आउट होने के पहले कुल 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के लगाए, 24 रन बनाकर वापस पेवेलियन पहुंचे हैं। टीम के कप्तान थे, फिर से अनिमेश शर्मा लगातार अपने स्पेल को बढ़ाते हुए, और अक्सर इनके स्पेल को एक ही बार में संपन्न करा लिया जाता है। मैंने अक्सर हर जगहों पे देखा है, पिछले 5 सालों से मैं नहीं जान रहा हूं। ओह माय गॉड, समझ नहीं पाए अनिमेश शर्मा की ये गेंद आखिर गई कहां। पता चला कि मेरे ही ऊपर से गेंद निकल रही है, जब तक संभलते तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई। एक और चौका, इस चौके की मदद से त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग 117, 3 विकेट का नुकसान हुआ है अब तक। और देखिए काफी मौका था, बल्लेबाज के पास शॉर्ट ऑफ लेंथ थी गेंद, लॉन्ग लेग की दिशा में धकेलते हुए 1 रन और सिंगल के जरिए 118, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर कुल 15वां प्रगति पर अनिमेश शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर आए थे अश्विनी, कट किया था, 44 रन पर पहुंच गए हैं बातों ही बातों में अश्विनी। 37 गेंदों का सामना किया, अच्छी स्ट्राइकिंग रेट से रन बना रहे हैं। कदमों को आगे खींचा था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी, स्कोर पहुंचा दिया 119 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात 15वां ओवर डाला जा रहा है। दूर वाले एंड की तरफ से अनिमेश शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं। क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक आसान सा कैच अभी अभी टपक गया, हाथों से छूट गया। 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन का कुल योग 120 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात नया ओवर शुरू हो रहा है और युवराज राजवाड़ा की गेंदबाजी चल रही है। युवराज राजवाड़ा के ऑनर हैं रक्तिम मेहता, उनकी टीम का गेंदबाजी परफॉर्मेंस अब तक बेहतर रहा है। स्लॉग के ओवर शुरू हो गए, और ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि कितने रन और जोड़ पाने में सफल हो पाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का, हम बातें करते रह गए और गेंद छक्के के लिए हमारे सर के ऊपर से कब निकल गई पता नहीं चला। अच्छी वापसी की, गेंदबाज ने पिछली गेंद पर छक्का खाया था सोफियान, माफ करेंगे सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से डाउन द विकेट और काफी खराब गेंद, गेंद के पीछे आए बल्लेबाज और उछाल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अविश्वसनीय छक्का निकलता। और एक और शानदार शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ पाते हैं या नहीं, जी नहीं, सुनील कुमार सिंह का इशारा चौका आता हुआ, तो लगातार छक्के चौके निकलते जा रहे हैं। रनों का योग 137। एक और शॉट और यहां पर क्षेत्ररक्षक दर्शक बने रह जाएंगे, शानदार चौका निकलता हुआ, और ये चौका निकला है बल्लेबाज पुरुषोत्तम के बल्ले से।
और ओवर संपन्न होता हुआ 16 ओवर 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का पुलियो और सामना करेंगे गौरव शर्मा की गेंद का। स्लैश किया, गली की दिशा में गेंद आई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 141 तीन विकेट के पतन के पश्चात त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग है। ओ माय गॉड, क्या बात है, पूरे मुस्तैदी से बुलंद हौसले के साथ अब तक अश्विनी ने बल्लेबाजी की है चौथम गौरव शर्मा की गेंद के सामने। पुरुषों में जो उत्तम वो होता है सर्वोत्तम, उत्तम छक्का पुरुषोत्तम के बल्ले से निकलता हुआ। रनों का कुल योग चला गया है 148। शर्मा की गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ और यहां पर एक टफ कैच था जो हाथों से छिटका। माय गॉड, व्हाट अ शॉट, लवली शॉट, छक्के का इशारा आता हुआ और इस छक्के के साथ ही 35 पर चले गए हैं पुरुषोत्तम 10 गेंदों में 350 की स्ट्राइक रेट पुरुषोत्तम की। एक और बेहतरीन शॉट और ये भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गिरी है, वन बाउंस चौका मिलता हुआ, वो क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है। पुरुषोत्तम के पहुंच से काफी दूर गेंद चली गई थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का सुनील कुमार सिंह और हमारे बीच कुछ नहीं कुदुस साहब हैं, दो वरिष्ठ अंपायर और बीसीए पैनल से ग्रेड वन से आते हैं सुनील कुमार सिंह साहब। हिट कोई विशेष फायदा नहीं उठा पाए, कंधे घुमाकर गेंदबाजी करते हैं। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 162, तीन विकेट का पतन हुआ है। सारण ने जिस तरह से शुरुआत में ही बल्लेबाजी की जलवे दिखाए, अच्छी साझेदारी हुई थी, ओपनिंग बल्लेबाजी बेहतरीन और बाद के बल्लेबाजों ने भी अपने दमखम दिखाए और उनमें से सबसे ज्यादा निखर कर उभर कर सामने आ रहे हैं पुरुषोत्तम जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 रनों पर मात्र 11 गेंदे खेली है उन्होंने, 39 रन। अंपायर को पार करते हुए और गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज में मोड़ा है फाइन लेग की दिशा में, बिजली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ अश्विनी कुमार सिंह का। तालियों की आवाजें उनके खेमे से, उनके बेंच से आप बजते हुए सुन सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी और यहां पर 2 रन लेने की कोशिश लेकिन सामने से मना किया अश्विनी ने और लीजिए एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार नजर आ रही है। बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त श्रीमान के जरिए सारण का कुल योग चला गया 172 जबकि ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 18वां और अब तक मात्र 3 विकेट ही गवाए हैं त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण की टीम। अठारह ओवर
172 रन 3 विकेट के नुकसान पर सारण का कुल योग। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश हुई थी अश्विनी के, लेग गार्ड से लगते हुए गेंद रुकी सामने की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाया, एक रन लिया और तब तक अंपायर कुदुस साहब का इशारा लेग बाई का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कुल रनों का योग 173-39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं पुरुषोत्तम। सामना करेंगे गौतम की गेंद का। के पीछे आए थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्षेत्र रक्षक, क्या पीछे बह जाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश तो अच्छी की थी क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन कोशिश में नाकामयाब रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, चार रनों के लिए स्कोर पहुंचा 177। पुरुषोत्तम चले गए हैं 43 पर। एक पुरुषोत्तम आगे बढ़े, उछाला है गेंद को, लॉन्ग ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद और अंततः एक अच्छा कैच पकड़कर पुरुषोत्तम की एक लाजवाब पारी का अंत किया है और ये महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया गौतम ने। चार विकेट का पतन हुआ, स्कोर है 177 सारण का। और यहां पर उछाला, स्कूप किया है गेंद, कुछ बाउंस खाती हुई विकेट कीपर के ठीक पीछे चली गई चार रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया 181 चार विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सारण की टीम। गौतम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और अंपायर का इशारा वाइड का, तो इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 182 182 रन, चार भी ही विकेट गंवाए हैं सारण की टीम ने। गौतम और फिर से ये गेंद वाइड 183 और एक और शॉट, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं लेकिन ये खतरनाक हुआ और एक और विकेट का पतन होता हुआ पांचवा विकेट गिरा है और आउट होने वाले बल्लेबाज रहे। अश्विनी, तो अश्विनी ने आउट होने के पूर्व लाजवाब पारी खेली और शानदार अर्धशतक लगाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। एक और अच्छा शॉट, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। एक और रन इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 185 और इसी के साथ 19वां ओवर भी संपन्न होता हुआ। 19 ओवर 185 रन, पांच विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग है। प्रवीण शशि की गेंद के सामने पहली गेंद डॉट, 20वां ओवर चलता हुआ, पांच गेंद शेष, 185 रन, त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग। दूसरे खेलने की कोशिश और यहां पर किसी तरह दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए और इस एक रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया 186 फोर लॉस ऑफ फाइव विकेट्स। खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद शॉर्ट लेग की दिशा में रुकी, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का, सिंगल के जरिए त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग पांच विकेट के नुकसान पर 187 रन। विवेक और प्रवीण की जोड़ी बीच मैदान में, शशि राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, एक रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज, दूसरे रन की गुंजाइश भी बनती हुई दिखलाई पड़ रही थी लेकिन
बल्लेबाजों ने पहले से ही तय कर लिया था कि एक ही रन इस बॉल पर आएंगे। और यहां पर मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, वाइड का भी इशारा हुआ, एक रन भी लिए गए, दो रन और जोड़े खाते में। सारण का कुल योग 190, 5 विकेट का पतन हुआ है। ये लीजिए, घुमाया है और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में चली गई। 6 रनों के लिए अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा छक्के का आता हुआ। दबा के मारा है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और इसी के साथ बल्लेबाज आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 196 रन बनाए त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण की टीम ने और लक्ष्य रखा कुल 197 रनों का युवराज रजवाड़ा के सामने। इस सूचना के साथ ड्रिंक लंच का वक्त हो चला है, मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। और क्या दमदार गेंद बल्लेबाजी हुई है यहां पर, पहले ही गेंद पर लाजवाब छक्का निकलता हुआ। बल्लेबाज है हिमांशु, तो हिमांशु ने लाजवाब शुरुआत की, दमदार बल्लेबाज माने जाते हैं और मुझे इनकी पारी याद आ रही है आजाद कप फूल परास में, जब इन्होंने 87 गेंदों में 186 रन बनाए थे, दोहरे करीब शतक के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। तो मुकाबला शुरू होता हुआ मैं YouTube चैनल के दर्शकों से एक बार फिर से मुखातिब हो रहा हूं। दूर से खेलने की कोशिश की गई थी, अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा वाइड का और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कुल रनों का योग युवराज रजवाड़ा का 7। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक, जिनकी पहली गेंद पर लाजवाब छक्का उछाला था हिमांशु ने और फिर से खुद को शफल किया था ऑफ स्टंप पर, एक और ऑल द वे शॉट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे। वाइट का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का, कुल रनों का योग 8। वाइड गेंदों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस ओवर में लगातार 3 गेंदे वाइड आ चुके हैं प्रतीक की और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए युवराज रजवाड़ा का कुल योग चला गया है 9 रन, 1 छक्का और 3 वाइड गेंदों के जरिए ये रन आए हैं। हिमांशु शर्मा ने जो पहली गेंद अपने लिए खेली, एक लाजवाब छक्का निकला था, लॉन्ग लेग की दिशा में उछाला था उन्होंने। शफल कर लिया था खुद को फिर से कि मैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की दिशा में उछालूंगा। तब तक गेंद आई, बल्ले पर लगी, थोड़ी देर हवा में लहराई, 190 रनों की आवश्यकता यहां पर कुल जीतने के लिए, 189 रन और चाहिए। एक सौ 196 रन बनाए थे त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण की टीम ने और 197 रनों का लक्ष्य रखा रजवाड़ा के सामने। इसे सफल किया है और एक आसान सा कैच हवा में उछला हुआ
और इस आसान से कैच को भी टपका दिया गया। भाई सारन की कल आपने मिसफील्डिंग देखी, कई कैचेस छूटते हुए देखे और एक आसान सा कैच टपका है, और ऐसे में प्रतीक भाग्यशाली नहीं रहे। और एक बार फिर से पंजों के बल उछले, बैकफुट पर आए, पंच किया और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, हवाएं चारों तरफ चल रही हैं, कभी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और ऐसे में गेंदबाज भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। सवेरे संभाला खुद को, बैक टू द बॉलर खेला, कुछ गेंदों को परखेंगे देखेंगे और फिर बल्लेबाज अपने हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे। सही बल्लेबाजी करने का यही तरीका है कि आप आए, कुछ गेंदों को जांचें परखें और फिर अपने कंधे खोलें। काफी ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइट का, और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 14। 14 रन, दूसरा ओवर। विनीत चौहान स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को स्टीयर किया था, क्षेत्र रक्षक मौजूद, कोई रन नहीं। युवराज रजवाड़ा के सामने वाइड गेंदे लगातार दोनों गेंदबाजों ने डाले हैं, कुछ 5 वाइड गेंदे अब तक हो चुकी हैं 2 ओवर के अंदर। हवा में गेंद और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 38 सर्किल का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया है 19 रन बिना किसी नुकसान के युवराज रजवाड़ा का कुल योग। मौका बहुत ही अच्छा था और दूसरा कैच छिटकता हुआ, 2 ओवर में 2 कैच छूटे और इन्हीं सभी वजहों की के कारण सारण की टीम के पास 2 महत्वपूर्ण अंक नहीं आ पाए थे कल। ड्रीम सिटी से उन्हें हार कर मायूस होना पड़ा था और मुकाबले में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ी सी उछाल थी। हिमांशु शर्मा एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। इसी बीच एक और ओवर संपन्न होता हुआ, 20 रन बगैर किसी नुकसान के युवराज रजवाड़ा का स्कोर, और 2 जो कैच छूटे तो भाई किसी विकेट का पतन भी नहीं। जो देर से आए हुए दर्शक हैं, मैं बता देना चाहूंगा कि आज का प्रथम मुकाबला आप देख रहे हैं त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण वर्सेस युवराज राजवाड़ा के बीच। टॉस का सिक्का जब हवा में उछला था तो बस कहा ना, अच्छी उछाल प्राप्त की। इज्जत बख्शी गेंद को, जैसे ही देखा कि मेरी पहुंच से बाहर है तो छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने, और वैसे भी छेड़खानी की इजाजत तो कानून भी नहीं देता। और लीजिए ये अच्छी फील्डिंग की कोशिश, और जहां चौका होता वहां अच्छी फील्डिंग के जरिए 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए क्षेत्ररक्षक ने। अब कैसे हम देखेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा हाँ, कैसे बताएंगे? एक स्कोरर वाला, एक और ये मंगवा। नहीं नहीं, ये बगल में भी बैठा हुआ था ना, एक और चेयर मंगवाओ। इसका बीच में रहना जरूरी है। आ जाओ आ जाओ ऊपर, तुम मोबाइल लेके फिर गड़बड़ाएंगे हम। अच्छा शॉट,
और वन बाउंस फोर निकलता हुआ बल्लेबाज हिमांशु के बल्ले से और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट पकड़े गए, वापस पेवेलियन लौटना होगा। हिमांशु के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ रजवाड़ा मानपुर की टीम। फ्लैटेड बॉल और गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से उछाला है सामने। लॉन्ग ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 30। और यहां पर स्वीप करने की कोशिश गेंद बल्ले पर आई रही। थोड़ी सी खामोशियां ग्राउंड में, हॉट वेदर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बैकफुट पर आकर कट करना चाहते थे, गली की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर कुल 30, चौथा ओवर प्रगति पर। एक विकेट गवाया है, अच्छी गैदरिंग विकेट कीपर के, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रजवाड़ा मानपुर का कुल योग 31। बहुत ही खूबसूरत शॉट और यहां पर लाजवाब कैचिंग हुई है, बेहतरीन कैच पकड़ा। कहां तो आसान आसान कैच गिराए जा रहे थे और एक ऐसा कैच जिसे पकड़ने के लिए, जिसे लपकने के लिए आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ता है और इस एफर्ट के लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। लाजवाब कैच, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग जब किसी भी क्रिकेट के आयोजन में दिखलाई पड़े तो आंखों को बड़ा सुकून पहुंचता है और लगता है मानो किसी बड़े इंटरनेशनल मुकाबले का आनंद, मजा, लुत्फ हम सभी उठा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ मगध प्रीमियर लीग में सारे मैचों में महसूस कर रहे हैं हम और आप। और ऐसे महान आयोजन के लिए जितने प्रायोजक हैं, आयोजक हैं और खासकर अध्यक्ष असद शहीन के साथ साथ उनकी टोली का लाख लाख शुक्रिया। Defended this ball towards the deep mid wicket area. Fielder missed this ball. The ball was away from the gone into the boundary, rolling down the ground. Welcome boundary by Rajwara. Even again, the bowler is going for lovely towards the cover, but has been denied by partner. Defended this ball to the cover. It may be chance of run out. Direct hit. It could be. It may be a deja coordination of defended this ball toward yes, towards a deep extra cover direction. This will be boundary. This was a boost his wrist only. He didn't fishing the ball gone behind the keeper. This will be boundary again. Lovely. This time, keeper could not jump. Again in the air. This time he goes for big one. Lovely. Back to back to boundary has been picked up by this youngster boy. Again in the air, should be boundary. Boom, boom, shot. Boom, 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 boom. This batsman, lovely, good job. He defended. Is not able again for he defended towards the point and lovely in the unbelievable. Again he goes for big one. Boom boom. Lovely. What is he doing? Teen chakke is over mein lajwab ballebaaz. Shandar damdar ballebaaz. Again he would like to pick up the wicket. Defended this ball.
Again in the air, should be taken. Has been taken this all the way. This batsman has been cleared up. And now it seems to be that the end of the another wicket is looking on this ground. This batsman is going, batsman is coming on the ground. Kitna run bana ke jara? Run bana ke. 24 run and wicket. And this catch. Yeah, this time he did not. In the air again, this time he goes for big, maybe. Wow, my goodness, has been put down. This could be a mistake. This was, although he. Oh, defended this ball towards the point direction. Fielder was there, but till that ball, batsman completed quick single. Although the attitude of batting of Rajwade have been taken, that could be disaster for Rajwade Manpur. Again, this is a defensive shot, but shot of length, but this time the batsman pushed this ball gently. Oh, this is misfield and found a boundary. Bad fielding looking. India should be taken. Ball under it. Comfortably taken this. Lovely. And another breakthrough for Saran. Saran got another breakthrough. And now the end of another wicket is looking here. Defensive shot. Towards the long on direction, fielder was there. Batsman completed this single easily. Exactly, partnership here today. Oh, got. Yes, he pushed this ball toward the cover. Fielder was there, but. India again. This time, this batsman goes for a big one. Over the long off area. India down the ground, should be boundary. This time it goes for big one again. Boom, boom again. Love roll. This was this time. Oh, lovely. Oh, again, he defended this. This time he goes towards the mid wicket area. Fielder picked up this ball easily. But till that, both batsmen completed couple of runs. Good run. हल्के हाथों से push किया है और जब तक गेंद को field किया जाता, शॉट फाड़ने की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए 92 रन. हालांकि शुरुआत के बल्लेबाजों ने दम दिखलाया था, लेकिन जैसे ही हिमांशु आउट हुए तो विकेटों का पतझड़ लगा. बड़ा संकट युवराज रजवाड़ा मानपुर टीम के ऊपर और बड़ी जिम्मेवारी पुछल्ले बल्लेबाजों के ऊपर के लक्ष्य तक वो किस तरह से पहुंचाते हैं. आस्किंग रन रेट भी बढ़ता चला जाएगा, ओवर्स घटते चले जाएंगे, गेंदें कम होती चली जाएंगी. ऐसे में विकेट हाथों में रखना बड़ा ही आवश्यक होगा. अच्छी गेंद, उछाल प्राप्त की, गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष, जबकि सूरज और सुफियान के ऊपर बड़ा दारोमदार है. फिर से चकमे में डाला बल्लेबाज को हर्ष ने. अगर फील्डिंग में दो कैचेस पकड़ लिए जाते तो और भी दबाव में महसूस. करती रजवाड़ा की टीम तीन डॉट गेंदे, चार लगातार डॉट गेंदे डालकर दबाव बना रखा है. हर्ष ने मात्र एक रन खर्च किया है अपनी टीम की तरफ से. 10वां ओवर फेंक रहे हैं. 92 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है.
में गेंद और काफी देर के बाद एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ 98। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। ठीक है 11वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण कुमार सिंह। स्कोर है 98, 4 विकेट के नुकसान। मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर एमपीएल के एसएस साइंस साहब हुए हैं, उनके बारे में जो साथ में अशरफ साहब भी आए हैं, डायरेक्टर हैं इस मगध प्रीमियर लीग के अशरफ साहिन साहब, उन्होंने बताया, जानकारी दी कि आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं श्री मिथिलेश सिंह, साथ में अशरफ साहब भी और अशरफ साहब भी साथ में आए, उनका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है, शुक्रिया है। रफ्तार के साथ स्पिन गेंदबाजी देखने का आनंद मजा ही, खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद ग्राउंड पर ही रही। लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश, एक और रन 101, 4 विकेट गंवाकर इतने रन इकट्ठे किए हैं और दो बल्लेबाजों के ऊपर अच्छी जिम्मेवारी, सूरज और सुफियान के ऊपर। सुफियान अर्धशतक जमा चुके हैं, 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी। और इसी के साथ यहां पर गेंद कनेक्ट नहीं हुई, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि ब्लेड पर अगर गेंद लगती तो एक ऊंचा कैच, आसान सा कैच विकेट कीपर के दास्तानों में समा जाता। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है अब तक सुफियान ने, 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। अरे तो भेजिए एक बार पूरा लिस्ट, हवाई शॉट और ये भी छक्का जाता हुआ, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और ये छक्का भी निकला है अभी अभी सुफियान के बल्ले से ही, 56 सुफियान। राजवाड़ा मानपुर की टीम का कुल योग 107 रन। लंबा शॉट हवा में, गेंद टंगी हुई लेकिन साइड स्क्रीन के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का निकलता हुआ, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं सुफियान और सूरज। सूरज के बल्ले से अभी अभी एक छक्का निकला, सूरज पहुंचे कुल 17 के योग पर और टीम का कुल योग 113, 4 विकेट के नुकसान पर। एक मिस फील्डिंग हुई है और एक और चौका निकल गया, सूरज पहुंचे इस चौके की मदद से कुल 21 पर और टीम की जनसंख्या 117 है। वाइड लीजिए, पिछली तीन गेंदों पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हैं, पहली गेंद छक्का, दूसरा चौका, तीसरी गेंद वाइड और एक सिंगल, सारे गेंदों पर रन आ रहे हैं, बेहद ही खर्चीला, बेहद ही महंगा ओवर चलता हुआ। अब तक 11 रन दे चुके हैं इस ओवर में हर्ष, बहुत ही सोची समझी बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। सूरज और सुफियान के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपी है क्योंकि जब पिछला विकेट गिरा था तो उस वक्त योग था कुल 4। इन बातों को भली भांति सूरज और सुफियान समझ रहे हैं कि ये 76 रन किस तरह से बनाए जाएंगे, गेंदे कम बची हुई हैं, 48 गेंदे 76 रन कोई कठिन लक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसे में दोनों बल्लेबाजों को अपने विकेट बचाकर खेलने होंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है, सिर्फ चौके छक्के ही नहीं, जिस हिसाब से गेंदे आ रहे हैं उस तरह से संभल कर बल्लेबाजी करना ही आपकी महानता को दर्शाता है।
सम्मान दिया गेंद को। वाज दैट की अपील, उत्साह अधिक विश्वास कम, और ऐसे में नतीजा सुनील कुमार सिंह बीसीए पैनल ग्रेड वन के अंपायर ने कहा कि नॉट आउट भाई, आप अगली बॉल डालें। थोड़ी सी फ्लाइट डाली लगातार, दूसरी बॉल डॉट कराई सुशांत ने, चार डॉट गेंदे अब तक अपने सोवर में डाल चुके हैं। कौन है बल्लेबाज? सूरज। सूरज गेंद के पीछे आए, कट किया और लाजवाब चौका निकलता हुआ, बेहतरीन शानदार। सम्मान दिया फिर से। जी बिल्कुल, ये होती है अच्छी बल्लेबाजी। इसके पहले जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने लंबे लंबे शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने अपने सीनियर से सबक लिया, सबक सीखा और धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी कर धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, क्या बात है, कितने खूबसूरत अंदाज में कलाइयां मुड़ी। और जब तक स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को माप लिया और इससे सिंगल के जरिए रनों के योग को पहुंचाया। कुल 126 जीतने के लिए अब जो रनों की आवश्यकता है वो है 71, गेंदें बची हैं 41, 41 गेंद, 71 रन हाथों में, विकेट शेष 6। और ऐसे में दो सशक्त बल्लेबाज सुफियान आलम 53 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूरज खेल रहे हैं 27 पर, और इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा जोर लगा दिया है कि आज के मुकाबले को वो जीत कर ले जाएंगे। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक सामने, ऊंचा शॉट और लीजिए ब्रेक थ्रू दिलवाया इस गेंदबाज ने, विनित चौहान की पहली गेंद पर ये विकेट गिरता हुआ और आउट होने वाले बल्लेबाज सूरज, जिन्होंने कुल 27 रन बनाए थे, वापस पवेलियन जाते हुए। अच्छी साझेदारी निभी सुफियान के साथ सूरज की, और पांचवा विकेट अभी गिरता हुआ। कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ए दोस्त, देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। यानी कुल 70 रन, ओ माय गॉड, इस गेंद में इंटरनेशनल चमक दिखाई पड़ी विनित चौहान की, इस गेंद में लगा कि हां मोहम्मद शमी की गेंद है। क्योंकि कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद बाउंस होती है, और जब कंधे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो गेंद अपने लय ताल में आती है। ओह माय गॉड, लीजिए विकेटों का पतन फिर से हुआ है और अब ये मुकाबला 60-40 पर आकर खड़ा हो गया है। 60 सारण और 40 रजवाड़ा मानपुर। India, this time it goes for big one over the top of mid wicket. Oh, this time has been big. Oh, lovely. This was shot of length ball, and this time he goes for boundary, rolling on the ground. Lovely execution on this ground today. Oh, this time he flicked this ball towards the. This time he defended this ball slide. Oh, this time down the ground. This is not a quite energetic shot. Oh, got flash. Got shot of length
and he cracked this ball towards the deep mid wicket area. Fielder was there, but this is the misfield. They should be boundary. Yeah. Oh, flick this ball towards the cover, deep cover, and but the fielder was there. Oh, this time goes to point. This may be chance of run out, but this was not a direct hit for Saran Soldier. Oh, lovely, lovely, lovely towards the deepest qualic direction. But the member of this tournament, as well as the organizer of this tournament, Mr. Ashok Shahin, this time goes for. Just he wanted to go for a big one, but this time, this is not a piece, okay. Oh, he moved his bat apart. This time, this is an aggressive shot, but the ball is bat. Oh, defended this ball, but this is a quick single. This was the last. Oh, this time goes for a big one. This was much needed. And exactly he done this great job. This picked up a long boundary. This is six. कहीं से सुफियान के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि 18 जो गेंदे बची हैं उनमें 41 रन किस तरह से वे बनाएंगे, यहाँ के दर्शक उनसे उम्मीदें कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी सुफियान की। सुफियान का व्यक्तिगत योग में बता देना चाहूंगा, लाजवाब बल्लेबाजी, काफी छक्के काफी चौके लगाए हैं। 18 गेंदे 41 रन, हाथों में विकेट चार, लेकिन विकेट कोई भी हो, अगर सुफियान जब तक जिंदा है उम्मीदें जिंदा रहेंगी। नया ओवर शुरू होता हुआ विनित राइट आउट ओवर द विकेट और पहली गेंद डॉट कराई है उन्होंने। 78 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुफियान, गौरव खेल रहे हैं 10 पर, और जितना ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सुफियान उतना ही उनके टीम के हक में वो बातें होंगी। ठीक, फिर से डॉट बॉल, लेकिन यहां पर बल्लेबाज भी चूके, विकेट कीपर भी चूके, उनके दास्तानों से गेंद छिटकती हुई आई थर्ड मैन की दिशा में। डॉक्टर हड्डी के बैठे हुए हैं बहुत हॉस्पिटल में, इंशाल्लाह किसी को गेंद लगे नहीं, चोटिल नहीं हो कोई, मेरी ऐसी तमन्ना। ओहो, गेंद को तो मोड़ा है नटराज स्टाइल में और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पास चार रनों के लिए। तो ऐसे ऐसे शॉट्स लगने चाहिए, और जब तक आप अपने जज्बे जोश जुनून को पैशन को जिंदा नहीं रखेंगे इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो अब जो क्वेश्चन यहां पर बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है वो है 36 रन 15 गेंद। कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर गेंद बल्ले से टकराती तो यकीनन आज गेंद धरती पर नहीं उतरती। चौदह गेंदों में 36 रन बनाने की आवश्यकता विनित गौरव के लिए। ये गेंद भी बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई निकलती चली गई फाइन लेग की दिशा में चार रनों के लिए। तो अब जो आवश्यकता है रनों की वो है 13 गेंदे 32 रन। कमाल है भाई, कमाल है। कुछ दर्शकों की आवाजें मेरे कानों तक आ रही थी, मैं बताना नहीं चाहता, गौरव से ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे थे दर्शक, लेकिन गौरव ने बतलाया कि जी नहीं, मैं भी यहां पर सुफियान का काम कर सकता हूं। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है दोस्तों, और अब 12 गेंदें बची हुई हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए 26 रन चाहिए। डॉट बॉल 11 गेंद 26 रन, 171 6 विकेट के नुकसान पर रजवाड़ा मानपुर का कुल योग।
सुफियान बल्लेबाजी कर रहे हैं, 78 पर 44 गेंदें उन्होंने खेली है। गौरव ने 12 गेंदों में 24 रन बनाए और मुकाबला कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कांटे की टक्कर त्रिशूल एकेडमी सारण वर्सेस राजवाड़ा मानपुर के बीच। हेलो, बोर्ड में कोई भी दर्शक नहीं आएंगे मैच के बाद। इसे डॉट बॉल बिल्कुल वाइट की जहां पर पट्टिका होती है वहां पर आजकल गेंदबाजों ने गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है। यॉर्कर लेंथ की गेंदें डालकर छकाते हैं, फुल लेंथ की गेंदें डालकर छकाते हैं। कंधे का इस्तेमाल किया था, गेंद हवा में थोड़ी देर तैरी लेकिन एक ही रन दिया है विनीत ने। आधा ओवर सेकेंड लास्ट का खत्म हुआ है, 3 गेंद 1 रन और ये लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आई है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए जा रहे हैं और यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया। इन दो रनों की मदद से रन का योग चला गया कुल 174 और अब 23 रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। ओह माय गॉड, मामोथ ह्यूज सिक्स बाय गौरव। तो गौरव से उम्मीदें कम थी यहां के दर्शकों को, लेकिन उन्होंने इस मंशा को, इस भ्रांति को, इस भ्रम को तोड़कर रख दिया है और 180 का योग 17 रन 7 गेंद। अगर आखिरी इस बॉल पर, सेकेंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर कोई चौका या छक्का निकलता है तो बेहद ही दिलचस्प और आसान मुकाबला हो जाएगा रजवाड़ा के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद और डॉट बॉल के साथ ओवर संपन्न कराया है प्रतीक ने। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि एक छक्का लगा, सिंगल भी आए थे। 6 गेंदें 17 रन आखिरी ओवर फेंकी जानी शेष। सामने सुफियान, ओ ये गेंद हवा में काफी देर तक और यहां पर एक आसान सा कैच छूटा है, लेकिन राहत वाली बात यह रही कि भाई चौका या छक्का इस बॉल पर नहीं निकला। पुरुषोत्तम गौरव के लिए राइट आर्म ओवरदेव के पहले बल्ला चला, बॉल बाद में आई। 4 गेंद 16 रन, 4 के 4 चौके चाहिए या 2 छक्के की आवश्यकता और बाद में आपको फिर से रन लेने पड़ेंगे या एक चौका लगाना पड़ेगा। अब 70-30 का ये आंकड़ा बनता हुआ। त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण को 2 अंकों की तलाश, कल का मुकाबला गंवा बैठे हैं। 4 गेंदें 16 रन, काफी ज्यादा बाहर, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, कुद्दूस साहब और संजय कुमार सिंह बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर हैं। बैकफुट पड़ाए पंच किए और जब तक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद फील्ड होती 1 रन तो 3 गेंदें और 14 रन में कौतूहल उत्तेजना। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग और अब मात्र 2 ही गेंदें शेष हैं और 2 गेंदों में जीतने के लिए कुल 13 रन चाहिए। गौरव पुरुषोत्तम के सामने और गेंद निकलती चली गई स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए। तो अब बची है 1 गेंद और 9 रन जीतने के लिए। अगर वाइट फोर नहीं निकलता है, नो बॉल नहीं होता है तो ये मुकाबला अब 90-10 90% और 1% का हो गया है। 90% सारण के खाते में और 10% रजवाड़ा के हिस्से में। आखिरी बॉल
और लीजिए आखिरी बॉल में भी एक चौका हमारी तरफ आया है और इस मुकाबले को इस प्रकार यहां पर जीत लिया है सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 4 रनों से और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए।